नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। खटीमा में तहसील रोड पर दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानों के आगे सामान लगाने और ठेले फड़ लगने से भारी अतिक्रमण हो चुका है। बताते चले कि दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन पार्किंग के लिए पुराने तहसील में पार्किंग स्थल बनाया गया है, बावजूद इसके खरीदारी करने आए लोग तहसील रोड पर अपने दोपहिया वाहन इस रोड पर खड़ा कर देते हैं, जिससे पब्लिक को पैदल चलने में भारी असुविधा हो रही है। आइए पूरी खबर जानते हैं खटीमा से हमारे संवाददाता केदार सोनकर से। देखिए, जो पुरानी तहसील रोड है वहाँ पर समय समय पे पुलिस द्वारा चालान की कार्रवाई करी जाती है, लेकिन वो पुराना बाजार का क्षेत्र है, थोड़ा भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन समय समय पर वहाँ पर कार्रवाई करी जाती है। और साथ ही साथ जो मेन हाईवे है, जो टनकपुर रोड है और जो हमारा पीलीभीत रोड है, सितारगंज रोड है, इस पर थोड़ा सा सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता है, लेकिन जब तक बाईपास इसमें नहीं बन जाता तब तक थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि अभी हैवी व्हीकल भी इस पर चल रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा समय समय पर चलानी कार्रवाई करी जा रही है ताकि अनावश्यक रूप से कोई व्हीकल खड़ा ना करे और ट्रैफिक स्मूथली पास होता है। सर, ये खड़ंजे रोड पे की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इसमें जैसा कि बार बार निर्देशित किया जाता रहता है कि अतिक्रमण अगर कोई अवैध कर रहा है, सड़क से आगे सामान फैला रखा है और यात्रियों को चलने में सुविधा नहीं हो रही है, तो उसके खिलाफ जो है पुलिस एक्ट में कार्रवाई करी जाती है।